So yesterday we were finding out पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. ओके, उसका छोटा सा पार्ट है तो उसको कंप्लीट करके आगे चलते हैं. सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्जिंग. सो इंट्यूशन करके, या तो तुम लोग इंट्यूशन खुद घर पे कर लेना, पीडीएफ फाइल तुम्हारे को दे रखी है. इट्स लाइक दिस दैट यू डिवाइड इट इनटू स्मॉल स्मॉल चार्ज डी क्यू, और अगर एक्सिस पे इंटीग्रेट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटीग्रेशन और पोटेंशियल के इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या है. इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी था, सो यू हैव टू टेक द कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. इन पोटेंशियल क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है ना, तो सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा. तो अगर ये डिस्टेंस यहाँ से एक्स है, रिंग की रेडियस आर है, तो हर चार्ज जो डिस्टेंस होगा ना उस पॉइंट से, वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा. तो हमारा सिंपल रिजल्ट आ जाए, वी ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर की जगह हर एक चार्ज कितनी दूरी पे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा. वेरी सिंपल. ओके, सो अगर तुम सेंटर पे निकालोगे, एट द सेंटर ऑफ द रिंग वी कितना हो जाएगा, एक्स वैल्यू जीरो हो जाएगी. सो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. रिमेम्बर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग जीरो होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सेंटर ऑफ द रिंग पे जीरो होता है, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाती है. देन अगर अपन नेक्स्ट पे आ जाए, ओके, टू रिंग्स ईच ऑफ रेडियस आर आर प्लेस कोएक्सियली सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज आल्सो आर. इफ क्यू वन एंड क्यू टू बी द चार्जेस ऑफ टू रिंग्स, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. ठीक है, ये वाला सवाल कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा सवाल है. यहाँ पे क्या है, दो रिंग दे रखी है और दोनों की रेडियस आर है, दोनों की रेडियस आर है और दोनों के बीच का रेडियस डिस्टेंस भी आर है. अब इस रिंग पे चार्ज Q1 दे रखा है और इस रिंग पे चार्ज Q2 दे रखा है. सवाल पूछ रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर. तो इसके सेंटर का पोटेंशियल V1 मान लो, इसके सेंटर का पोटेंशियल V2 मान लो. तो देखो, किसी भी रिंग के सेंटर का जो पोटेंशियल है, एक तो खुद की वजह से होगा और दूसरी रिंग की वजह से होगा. तो जैसे अगर V1 निकालना है, तो V1 जो रिंग पे चार्ज Q1 है उसकी वजह से, खुद की वजह से कितना हो जाएगा, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. और जो Q2 है उसकी वजह से कितना होगा, तो रिंग के पेरिफेरी से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर √2 आर हो जाएगा. तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा, प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2 आर. राइट, और सिमेट्री से देखें तो V2 कितना हो जाएगा, खुद की वजह से जो सेंटर पे है वो Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, और Q1 की वजह से हो जाएगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2 आर. सो अगर V1 माइनस V2 निकालना है, सो V1 माइनस V2 क्या आ जाएगा, यहां से देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाहर आ जाएगा कॉमन, Q1 माइनस Q2, और इसमें आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2 आर कॉमन आ जाएगा, Q2 माइनस Q1. ओके, सो Q1 माइनस Q2 को कॉमन निकाल लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर भी कॉमन आ जाएगा. सो Q1 माइनस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर सब कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, और क्योंकि Q1 माइनस Q2 कॉमन निकाले तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस 1/√2. ये आ गया आंसर. सो ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें क्या है कि जो फॉर्मूले है उसका एप्लीकेशन, तो अगर फॉर्मूले याद है तो एप्लीकेशन करना बहुत इजी हो जाएगा. क्लियर है?
चले आगे। हाँ ठीक चलो आगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द सेंटर ऑफ द हाफ रिंग। अगेन कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर चार्ज क्यू है तो इट विल बी सिंपली के क्यू अपॉन आर, दैट इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, खत्म बात। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू uniformly charge this. So again what we have to do is एक एक रिंग की वजह से निकालो, पूरा इंटीग्रेट करो। तो सिंपली रिमेंबर द फॉर्मूला, पोटेंशियल ड्यू टू द डिस्क एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट सेंटर। ओके, या ये पॉइंट एट अ एक्स डिस्टेंस आर ले लो और रेडियस कैपिटल आर ले लो, तो यहाँ पे जो वी आएगा, अब तुम्हारे को उसका फॉर्मूला याद करना है, वो क्या है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर। रिमेम्बर इलेक्ट्रिक फील्ड ई के रिजल्ट के साथ इसकी कोई ज्यादा सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि ई इज माइनस डी बाई डी आर होता है। हाँ, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ई जरूर आ जाएगा। ओके, एंड सिग्मा इज व्हाट, सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी व्हिच इज टोटल चार्ज क्यू अपॉन एरिया ऑफ द डिस्क। एरिया ऑफ द डिस्क कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। ओके, सो अब यहां पे स्पेशल केसेस लेते हैं, व्हेन आर इज मच मच लेस देन आर, ओके देन वी इज सिंपली इक्वल टू सिग्मा आर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। सिंपली आर को जीरो कर दो, जब आर इज मच मच लेस देन आर होता है तो सिंपली आर को इग्नोर कर दो एज कंपेयर टू कैपिटल आर। ओके, एंड व्हेन आर इज मच मच ग्रेटर देन आर, ध्यान रख लो जब पॉइंट बहुत दूर होगा तो कोई भी फाइनाइट ऑब्जेक्ट हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे बिहेव करता है, कोई भी फाइनाइट ऑब्जेक्ट हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे बिहेव करता है, देन वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आ गया समझ में? उतार लिया? तो एक बात को ध्यान रखो, चाहे रिंग है चाहे डिस्क हो,
चाहे ऐसी रॉड हो, चाहे ऐसा वायर हो, चाहे इंक्लाइंड वायर हो, चाहे सेमी सर्कुलर वायर हो, एनीथिंग कुछ भी हो, एट अ डिस्टेंस आर सबके लिए ई और वी के फॉर्मूले अलग अलग आएंगे, सबके लिए ई और वी के फॉर्मूले अलग अलग आएंगे. बट व्हेन वी से आर इज मच मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब हम बोलेंगे आर इज मच मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब बहुत दूर चले जाएंगे, तो सारे ऑब्जेक्ट जो है ना, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट कोई भी ज्योमेट्री हो, सब पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे ही बिहेव करेंगे. तो इनके जो भी रिजल्ट होंगे बड़े अजीब से अलग अलग रिजल्ट होंगे, सारे रिजल्ट अलग अलग होंगे, सबके रिजल्ट अलग अलग होंगे. लेकिन जब आर ग्रेटर देन मच मच आर इज मच मच ग्रेटर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ना, तो ई हमेशा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड वी हमेशा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, इस फॉर्म का आ जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा आ जाएगा. इसको हमेशा ध्यान रखो. जब एट अ वेरी फार डिस्टेंस पूछा जाए ना, तो तुम्हारे को कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत, हाँ लेकिन ऑब्जेक्ट फाइनाइट साइज का होना चाहिए, इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट हीट वैसा नहीं होना चाहिए, वैसा होगा तो फिर दिक्कत. इनफाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट होगा तो एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस जाओगे ना, तो कितना भी कोई सा भी शेप का ऑब्जेक्ट है वो हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे ही बिहेव करेगा. इज दिस क्लियर? क्लियर है? क्या तो नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज. इलेक्ट्रोसोन की एक्सरसाइज नहीं की क्या हम लोगों ने? नहीं सर. तो तुम्हारी तो पहले से की हुई है ना अजीजा एक्सरसाइज. हाँ सर, क्लास में नहीं की थी सर. इस क्लास में नहीं की थी, बाकी तो की हुई मैंने. तुम्हारी की हुई है ना. सो वॉट वी कैन डू इज हम इसकी एक्सरसाइज बाद में ऑफलाइन कर लेंगे. सो वी लीव द एक्सरसाइज, आई विल डू इट एट ऑफलाइन मोड. सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड तो हम करेंगे अभी एक छोटा सा टॉपिक है डायपोल का. सो डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल को आई मेक इट जस्ट एज अ डिफरेंट एक्सरसाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्री. So we are going to study now electric dipole. Dipole क्या होता है? Two point charges of equal and opposite magnitude separated by a very small distance. Very small distance.
तो कभी इस वेरी स्मॉल डिस्टेंस को डी लिखते हैं, कभी इस वेरी स्मॉल डिस्टेंस को टू ए लिखते हैं। तो चाहे डी लिखो चाहे टू ए लिखो, तो उसका डायपोल मोमेंट पी से डिनोट होता है। पी इज डिफाइंड एज डायपोल, पी इज रिप्रेजेंटिंग द डायपोल मोमेंट, और उसको डिफाइन करते हैं पी इज इक्वल टू क्यू ए, अगर एक क्यू डी अगर डी डिस्टेंस लेते हो, या पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए अगर टू ए डिस्टेंस लेते हो, तो डिपेंडिंग अपॉन। तो मोस्टली तो आई विल बी यूजिंग टू ए, लेकिन बुक में कभी कभी डी यूज होता है तो डी भी यूज कर लो। ओके, दिस इज वन थिंग। एंड रिमेंबर, डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू वर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है। तो अगर मैंने यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा और ये प्लस क्यू चार्ज रखा, देन द डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इज दिस डायरेक्शन। पी का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट जा रहा है, अगर माइनस क्यू यहाँ पे रखा और प्लस क्यू यहाँ पे रखा है। एंड दिस इफ दिस डिस्टेंस इज टू ए, देन पी की जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाता है क्यू इंटू टू ए। ये मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस चार्ज नेगेटिव माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ये जो साइन कन्वेंशन है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, इज डिफरेंट फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अगर तुम डायपोल पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में, तो वहां पे जो डायपोल का डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ डायपोल इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। सो वहां का साइन कन्वेंशन अलग है केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में साइन कन्वेंशन अलग है, इस बात का ध्यान रखोगे। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड विल डायपोल ऑन एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। सो पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड ऑफ पोटेंशियल दो चीज है, सो यू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड विल डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। तो ये ले लिया अपन ने माइनस क्यू चार्ज, और ये ले लिया अपन ने प्लस क्यू चार्ज, और बीच का डिस्टेंस ले लिया टू ए, और इसके मिड पॉइंट से, डायपोल के मिड पॉइंट से अगर अपन गए एट अ डिस्टेंस एक्स, और अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पॉजिटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है वो कितना है, एक्स माइनस डी। ओके, और नेगेटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है वो कितना है, एक्स प्लस डी। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालना है अपने को, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, वो तो हो जाएगा के या वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर, और उसका जो डायरेक्शन होगा ना, दैट विल बी टूवर्ड्स राइट, ऐसा राइट इस डायरेक्शन होगा। एंड ई ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, विच विल बी टूवर्ड्स लेफ्ट। तो प्लस चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड है टूवर्ड्स राइट, और माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है टूवर्ड्स राइट।
दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेक्टर एडिशन करेंगे, ई ड्यू टू प्लस क्यू प्लस ई ड्यू टू माइनस क्यू, वेक्टर एडिशन, यहाँ पे मैंने वेक्टर साइन लगाया। लेकिन जब मैं यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू रखूंगा तो क्योंकि प्लस क्यू की वजह से टुवर्ड्स लेफ्ट है और माइनस क्यू की वजह से टुवर्ड्स राइट है, तो हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/x माइनस d का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस d का होल स्क्वायर एंड दिस इज टुवर्ड्स राइट, ये हो जाएगा। ओके जिसको अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x प्लस d का होल स्क्वायर, ऊपर जो टर्म आएगी x प्लस d का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस d का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर और d स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 2xd + 2xd 4xd हो जाएगा 4xd एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो मैंने सॉल्व किया है, इसको खुद सॉल्व करना घर पे ताकि स्पीड बढ़ेगी तुम्हारे, स्पीड बहुत ही घटिया। ओके इसको खुद सॉल्व करना एक्सप्रेशन को ताकि तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी घर पे। ये आ गया हमारे पास, इसका डायरेक्शन कौन सा है, इसका डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट है। इसको हम लिख सकते हैं ये डिस्टेंस हमने ये डी लिया, ये 2D ले लो इसको, यहाँ पे मैंने 2A कर दिया, इसको 2D कर दो क्योंकि मैं सब जगह एक्स प्लस डी और एक्स माइनस डी कर रहा हूँ। तो इसको अगर मैं लिख लेता हूँ तो मेरे हो जाएगा 2x × (2D)/4π(ε0)(x²−d²)² क्यू इंटू 2D क्या है, क्यू इंटू 2D अपना डायपोल मोमेंट है, टी की वैल्यू क्या थी, क्यू इंटू 2D। एंड अगर अपन इसका डायरेक्शन भी देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा आ रहा है अपने पास, इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे आ रहा है, ये वाला। तो अगर यहां से मैं इसको एक्सटेंड करूं तो दिस इज गोइंग फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू साइड डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन वही है जो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट, क्योंकि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या डिफाइन किया था मैंने, आई हैव सेड दैट इट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, सो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है। So, इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो अपन लिख सकते हैं दिस इज 2px (2x)(p) 2x और इसको p लिख लेते हैं (4π)(ε0)(x²−d²)² ओके तो नेक्स्ट पेज पे आता, उतार लिया इसको, उतार लो फटाफट, जल्दी बताओ मेरे को उतार के। चलो आगे, सो ई का फॉर्मूला क्या है, ई इज इक्वल टू 2px
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसा है ये? ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2d है, और x जो है ये वाला डिस्टेंस है, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी वही डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, और यही अपना p का डायरेक्शन। तो ऑन द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन p के डायरेक्शन में। नाउ इफ आई से x इज मच मच ग्रेटर देन d, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसमें से एक्स को कॉमन बाहर निकाल दो, जो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ एक्स इज मच मच ग्रेटर देन डी, दैट इज 1 इज मच मच ग्रेटर देन डी बाय एक्स, दैट इज 1 विल बी मच 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 ग्रेटर देन डी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, राइट? So we can ignore this d square upon x square as compared to 1 when x is much much greater than d. So we can write this as 2px upon 4 pi epsilon naught x to the power 4. तो ये रिजल्ट आ जाता है। अब मैं 1 upon 4 pi epsilon naught को k लिख लूंगा। इसमें हम ये k लिखते तो हमारे को थोड़ा याद करना इजी होता है, याद करना ये। सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस के पी अपॉन एक्स क्यू। सो दिस रिजल्ट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल इज ट्वाइस के पी अपॉन एक्स क्यू, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो डायपोल के डायरेक्शन में ही है। ओके, सो वापस से डायपोल एक बार बनाता हूं मैं, यहां पे देख लो, ये माइनस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, तो डायपोल का डायरेक्शन ये वाला है। तो अगर कोई भी पॉइंट लोगे जिसे पॉइंट यहां पे लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, और अगर पॉइंट यहां पे ले लिया ऑन द लेफ्ट ले लिया तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स राइट ही रहेगा। तो डायपोल के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ऐसा नहीं कि यहाँ पे टुवर्ड्स राइट करो तो यहाँ पे टुवर्ड्स लेफ्ट कर दो, ऐसा नहीं, सिमेट्री नहीं है, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स राइट, है ना। या अगर तुमने डायपोल उल्टा ले लिया, ये प्लस क्यू ले लिया और ये माइनस क्यू है, तो डायपोल का डायरेक्शन ये है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। तो ये उतार लो और ध्यान कर लो डायरेक्शन कैसा होगा। हो गया क्लियर? यस। नेक्स्ट, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। नाउ वी से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल।
ओके, सो अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ये वापस से माइनस क्यू चार्ज ले लिया और ये वापस से प्लस क्यू चार्ज ले लिया और बीच का डिस्टेंस 2d ले लिया। नाउ वी आर ऑन द पर्टिकुलर बाइसेक्टर। ओके, तो अब माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। और अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स है तो ये डिस्टेंस कितने हो जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये तो हो गया डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू का, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू माइनस क्यू का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू के दोनों के ये वाले कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ऐड हो जाएंगे, और प्लस क्यू की वजह से जो वर्टिकल कंपोनेंट है और माइनस क्यू की वजह से वर्टिकल कंपोनेंट है, ये अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे और कैंसिल हो जाएंगे। सो सपोज कर लेते हैं, अगर अपन इस एंगल को थीटा मान, तो ई ड्यू टू प्लस क्यू और ई ड्यू टू माइनस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना। और ये जो कंपोनेंट होगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, अगर ये एंगल थीटा माना अपन ने तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। सो नेट ई जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, कॉस थीटा, राइट। माइनस क्यू का भी यही कंपोनेंट आएगा और प्लस क्यू का भी यही कंपोनेंट आएगा। दोनों ही एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा क्योंकि ये एंगल भी थीटा ही है, तो दोनों के कॉस थीटा ही आएंगे। ओके, एंड कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा इज डी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ई जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्वाइस के क्यू डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। नाउ यू सी हियर कि अपना जो डायपोल का डायरेक्शन है वो तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आ रहा है वो प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ आ रहा है। तो मैं इस टू क्यू इंटू डी को तो डायपोल लिख सकता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू माइनस के पी, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायरेक्शन अब पी के डायरेक्शन का उल्टा हो गया है, अपॉन के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। और अगेन इसमें से अगर अपन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ऊपर 3/2 को देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ऊपर 3/2, इसमें से अगर मैं एक्स को कॉमन निकालूं तो क्या हो जाएगा, बाहर आके एक्स क्यूब हो जाएगा, 1 + d² अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। एंड अगेन इफ आई से एक्स इज मच मच ग्रेटर देन डी, तो अपन इस अंदर वाली टर्म को इग्नोर कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। तो यहां पे अपने पास आ जाएगा माइनस के पी अपॉन एक्स क्यूब, कब, इफ एक्स इज मच मच ग्रेटर देन डी। सो इन ओवर द क्लास हियर ओनली, हमारे पास यहाँ पे दो रिजल्ट आए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग ओ डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल व्हेन एक्स इज मच मच ग्रेटर देन डी, के ट्वाइस के पी अपॉन एक्स क्यूब एंड माइनस के पी अपॉन एक्स क्यूब, ये रिजल्ट तुम्हारे को याद रखना है। यहाँ पे क्या रहा है, माइनस के पी अपॉन एक्स क्यूब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, और पीछे में क्या आया था, ट्वाइस के पी अपॉन एक्स क्यूब, ये देख लो यहाँ पे टू का फैक्टर आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में,
और यहाँ पे टू का फैक्टर नहीं आ रहा है, दिस इज द डिफरेंस। इस रिजल्ट को याद रख लो, हम क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे और कल वापस से शुरू करेंगे। ओके उतार लो इसको, आई ओवर द क्लास ये रूम।